एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, उस दिन खूब हंगामा हुआ था। इस बार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ये जो कूड़े के ढेर तीन लगे हुए हैं दिल्ली के आसपास, उनको बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। आज मनीष सिसोदिया जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं और कहा है कि एमसीडी में अगर आम आदमी पार्टी आती है तो फिर इसका निस्तारण किया जाएगा। ये तस्वीरें वहीं की हैं, गाजीपुर लैंडफिल साइट की आप देख रहे हैं। मनीष सिसोदिया आपको नजर आ रहे हैं, कूड़ा फैलाकर बीजेपी ने ये काम किया है, इस तरीके से आरोप बीजेपी पर लगा रही है आम आदमी पार्टी। बीजेपी के पास कूड़े से निपटने का प्लान नहीं है, हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी कोई प्लान डिकोड अपना नहीं किया है कि आखिर इस कूड़े के ढेर का निस्तारण वो कैसे करेगी, लेकिन बीजेपी पर लगातार हमले बोले जा रहे हैं। और बात सच भी है कि 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बरकरार है, लेकिन आप देखिए कि जो समस्या है साफ सफाई की या फिर इस कूड़े के ढेर की, अभी तक इनका निस्तारण नहीं हो पाया है। तो इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहेगा, कड़ा भी रहेगा। बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी की फाइट इसमें नजर आ रही है एमसीडी इलेक्शन में, क्योंकि इस बार कूड़े के ढेर को, साफ सफाई को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के अगेंस्ट बड़ा मुद्दा बनाया है। और इसीलिए मनीष सिसोदिया एक बार फिर से उसी साइट पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले सीएम पहुंचे थे और उन्होंने भ्रष्टाचार का भी आरोप बीजेपी पर लगाया था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।